हाय फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे फ्राइबर्ग और डॉर्टमुंड के बीच में जो मैच है। देखिए, बुंडेसलीगा लास्ट वीक स्टार्ट हुई थी और बहुत ही चौंकाने वाले कुछ रिजल्ट्स आए थे। जैसे फ्राइबर्ग अपना लास्ट गेम 4-0 जीती थी, तो एक काफ़ी बड़ा एक स्टेटमेंट था। ऑक्सबर्ग के अगेंस्ट वो जीती थी, और डॉर्टमुंड की टीम ने, हालांकि उन्होंने भी पिछला मैच जीत लिया था अपना डिसेंट खेल के 2-0 जीत के, लेकिन एक अगर आप बात करें कि इम्फेटिक विन जो थी उनकी फ्राइबर्ग की, वो इस मैच के ऊपर भी हावी हो सकती है। और हमें लगता है कि फ्राइबर्ग इस मैच में एक अपसेट कर सकते हैं और डॉर्टमुंड को हरा सकते हैं, लेकिन इसमें एक सेफ स्कोर 2-2 रह सकता है। हमें लगता है दोनों ही टीम गोल को स्कोर करेंगी और 2-2 रहेगा, या फिर फ्राइबर्ग थोड़ा बहुत एक चमत्कार भी कर सकती है। तो चलिए प्लेयर्स की बात करते हैं, किन प्लेयर्स को हमने सिलेक्ट किया है। देखिए, फॉरवर्ड लाइन में हमने सबसे पहले प्लेयर सिलेक्ट किए हैं ग्रेगोरिच। देखिए, ग्रेगोरिस जो हैं फ्राइबर्ग के काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लास्ट गेम में 1 गोल 1 असिस्ट इन्होंने किया था। ऑस्ट्रियन इंटरनेशनल है, 28 वर्षीय है, और काफ़ी बढ़िया खेले लास्ट गेम में, बहुत ज़्यादा अटैक्स बनाए, तो इनको हमने लिया है। वहीं पर हमने डुआन को लिया है जो जापानीज फॉरवर्ड है, इन्होंने भी लास्ट गेम में गोल स्कोर किया था। मिडफील्ड में देखा जाए तो, क्योंकि एर्लिंग हॉलैंड अब जा चुके डॉर्टमुंड से, तो उनके जो जो बेस्ट प्लेयर अभी हैं वो मार्को रेयस हैं उसके बाद, और वैसे भी वो लेजेंडरी जर्मन फॉरवर्ड हैं, और 1 गोल उन्होंने भी किया था लास्ट गेम में, तो उनको हमने लिया है। वहीं पर हमने फ्राइबर्ग के ग्रिफो को लिया था। देखिए, ग्रिफो ने भी 1 गोल स्कोर किया था लास्ट गेम में, इटालियन इंटरनेशनल 29 वर्षीय। वहीं पर जूड बेलिंगम, जो वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स हम कह सकते हैं, 19 वर्षीय प्लेयर, उन्होंने 90 मिनट खेले थे। और देखिए, भले ही उन्होंने कोई गोल स्कोर नहीं किया था, लेकिन आप अगर बेलिंगम के स्टैट्स देखें, 3 इंटरसेप्शन 4 टैकल किए थे, 17 रिकवरीज की थी। देखिए, मैं आपको वो पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके भी पॉइंट्स काफ़ी होते हैं ड्रीम इलेवन में। और वहीं पर जो एडन हैज़ार्ड के भाई हैं थॉर्गन हैज़ार्ड, वो डॉर्टमुंड के लिए खेलते हैं, काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं, इनको हमने टीम में लिया क्योंकि ये काफ़ी अच्छे अटैकिंग प्लेयर हैं, और लास्ट गेम में भी ये लगभग पूरा मैच खेले थे, 4 टैकल भी किए थे लास्ट गेम में, हालांकि गोल कोई स्कोर नहीं किया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और 68 मिनट्स खेला था लास्ट मैच में। डिफेंडर्स की बात करें तो देखिए, पोर्चुगल के जो डिफेंडर हैं राफेल गरेरो, वो बहुत ही तगड़े डिफेंडर, 28 वर्षीय, लास्ट गेम में भी ऑलमोस्ट 90 मिनट खेले थे, 83 मिनट लास्ट गेम में खेले थे। ये प्लेयर आपको गोल असिस्ट करते दिख सकते हैं, लास्ट गेम में 4 इंटरसेप्शन 3 असिस्ट 3 टैकल जीते थे। उसके अलावा शॉटलर बैक जो हैं जर्मन डिफेंडर 22 वर्षीय, उन्होंने पिछले गेम में 3 इंटरसेप्शन किए थे, 1 टैकल किए थे, और काफ़ी बढ़िया खेले थे, 90 मिनट उनका गेम काफ़ी अच्छा था, तो इस वजह से इनको हमने लिया। वहीं पर म्यूनर, जो काफ़ी बढ़िया बेल्जियम के डिफेंडर हैं, इनको भी आप ज़रूर लीजिएगा, इन्होंने भी 90 मिनट खेला था, काफ़ी अच्छे हैं। वहीं पर काफ़ी एक एक्सपीरियंस प्लेयर की मैं बात करता हूँ, जो हैं गिंटर फ्राइबर्ग के लिए। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस मैच में भी, क्योंकि इनका टैकल इंटरसेप्शन के काफ़ी पॉइंट्स हमेशा आपको मिलते रहेंगे, तो इनको हमने ज़रूर टीम में जगह दी है। और जो हमने कीपर लिया है, वो हमने फ्राइबर्ग का ही लिया है। तो ये टीम अभी हमने बनाई है, जिसमें हमने कप्तान जो है मार्को रियोस को लिया है, और वाइस कैप्टन ग्रेगोरिच को लिया है। इसमें जो भी चेंजेस होंगे लाइनअप्स अनाउंस होने के, हम आपको बता देंगे। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी भी ड्रीम इलेवन टिप्स के लिए, ताकि वो कोई और भी बाकी जो लीग्स हैं उनके लिए भी आपको हमारी टीम मिल जाएगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते रहिए, और लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद अगर जो कोई चेंजेस होंगे वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो उस हिसाब से टीम बनाइए। धन्यवाद।